नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। इस समय हम है प्रेस क्लब में, जहां पर ऑल जम्मू बेस्ड कैटेगरी जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी लगातार यही डिमांड है कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग की जा रही है उसको लेकर ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसे बहाल किया जाए। अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर चल रहा है, आइए जानते हैं इस प्रोटेस्ट के मतलब और बातें पूछते हैं इनसे कि आपकी क्या डिमांड है सरकार। मैम, हमारी यही डिमांड है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनी जाए, लेकिन अभी तक 171 डेज हो गया है तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया। मैं एलजी साहब से वो ये अनुरोध करना चाहूँगा कि 171 डेज कोई कम दिन नहीं है, ये 6 महीने से ऊपर होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जो कानों में गूंज तक नहीं है कि इनका जो मुलाजम है इनका क्या करना है। एक तरफ टारगेट किलिंग्स है और दूसरी तरफ सैलरीज बंद करके रखी हुई है और कहीं ना कहीं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो मैम, ऐसे ऐसे में जैसे टारगेट किलिंग वहां पे चल रही है, ऐसी सिचुएशन में हम वहां पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हम एलजी साहब से अनुरोध करना चाहेंगे और स्पेशलाइज रोहित कंसल साहब से जो चेयरमैन है हमारी जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी जो 7 बंदों की बनी हुई थी, हम रोहित कंसल साहब उसके चेयरमैन हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जल्दी से जल्दी हमारी जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी एक पब्लिक डोमेन में लाए और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सैलरीज बंद है, प्लीज उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। और मैं आपको एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, टोटल यहाँ पे 25 डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे रूलर है, फूड सप्लाईज है, एनिमल है, शीप है, स्क्वास्ट है, स्कीम्स है, इरिगेशन है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ये सभी के सभी मुलाजम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैम, ये इनका ज्यादा कोई बल्क नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 25 मुलाजम रिजर्व कैटेगरी के वहां पे जॉब कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट के। अगर एवरेज देखा जाए किसी के 50 है, किसी के 70 है, किसी के 15 है, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे हमें ट्रांसफर नहीं कर सकती, एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? मैम, आप खुद बताइए कि एक रातों रात यहाँ पे गवर्नर रूल होते थे, गवर्नर से एलजी हो गया, 372 टूट गया, तो मैम ये ट्रांसफर पॉलिसी और ये एडजस्टमेंट करना ये तो मामूली सी बात है। आपके माध्यम से मैं जो लोग पावर्स में बैठे हुए हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि मैम सियासत एक ऐसी चाबी है जिससे हर एक प्रकार का ताला खुल सकता है, तो मैम सियासत में क्यों बैठना है जब वो राजा कैसा जिसकी प्रजा दुखी हो? आज प्रजा दुखी है तो वो राजा कैसा? इसलिए जब राजा वही होता है जो प्रजा की तकलीफों का दुखों का वो नमादान करे, उनका समाधान करे। तो मैम ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों की 5-5 महीने की सैलरीज बंद है प्लीज उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए और हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, और मैम एक बात और कहना चाहूंगा कि प्लीज 5-5 साल से इसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड यही है कि 5 साल की ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए और जो 5 साल के अंडर में नहीं आएंगे उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन और उनको सिक्योरिटी और उनको कहीं ना कहीं डिप्यूट किया जाए जम्मू में। मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा। 6 महीने से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया 171 डेज हो चुके हैं आपको ये प्रोटेस्ट करते हुए लगातार, अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती तो आप क्या करेंगे? तो मैम धरना हमारा चल रहा है, 171 डेज हो गया तो हम धरने पे बैठे हुए हैं, वो तो हमारा हक है, प्रोटेस्ट भी करना हमारा हक है और ट्रांसफर पॉलिसी भी हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं। एक एम्प्लॉयज जो 2 साल से या 5 साल से ऊपर कहीं भी नहीं रह सकता, तो मैम ये कौन सा रूल है? अगर लद्दाख का अमेंडमेंट चेंज हो सकता है तो क्या कश्मीर का और जम्मू का नहीं हो सकता? जम्मू कश्मीर तो स्टेट बनी, यूटी बना दी, लेकिन यूटी के रूल्स कहां पे फॉलो हुए हैं? अभी तक यूटी के रूल्स तो यहां पे लगे ही नहीं है। मैम टारगेट किलिंग वहां पे चल रही है, सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, वहां पे सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, इसलिए हम एलजी साहब से ये अनुरोध करते हैं कि प्लीज सर ये देख लीजिए कितने एम्प्लॉयज यहाँ पे बैठे हुए हैं आपकी उम्मीद से। आप एलजी साहब तो है ही है, एक बहुत बड़े महापुरुष भी है, अपना बड़ा दिल दिखाइए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिक डोमेन में लाइए और जिन लोगों की सैलरीज बंद है उनको प्लीज रिलीज कीजिए। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसे लागू किया जाए ताकि जो जो यहाँ कश्मीर घाटी में जो लोग रह रहे हैं, जो ट्रांसफर पॉलिसी की लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। 171 डेज हो चुके हैं इन्हें लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। यहाँ पर तो ये जो प्रोटेस्ट है लगातार बना हुआ है, काफी
डिपार्टमेंट्स के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, सुकास्ट के, स्किम्स के जो इम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसे लागू किया जाए, ताकि जो कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, उसको लेकर इन्हें यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, ना जम्मू में कहीं और सेफ जगह पर ट्रांसफर किया जाए। मेल्स ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं भी जो हैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपने देखा होगा होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है स्टॉप टारगेटिंग किलिंग, सेव लाइफ सेव नेशन। एलजी साहब के लिए गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की जा रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाए। इनका साफ तौर पर यही डिमांड है कि एब्रोगेशन 370 टूटने के बाद, जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के बाद, यहाँ पर यूटी के जो रूल्स हैं उन्हें लागू नहीं किया गया। जिस तरह से कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग, सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, उस पर इनकी साफ तौर पर सरकार से यही डिमांड है कि इन्हें वहां से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इन्हें अपनी जान का खतरा है। सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी ही नहीं, इनकी सैलरी को भी रिलीज नहीं किया गया, तो उसको लेकर भी यहाँ पर पुरजोर तौर से प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर आज ये महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये अपनी फैमिली मेंबर को भी साथ में लेकर आई हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इनके साथ आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए पूछते हैं इनसे कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं लगातार, एलजी प्रशासन से आप डिमांड कर रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए मैम, आज हमें यहाँ 6 महीने होने जा रहे हैं और लगातार हमारी एक ही डिमांड है, ट्रांसफर पॉलिसी। कमेटी पे कमेटी बन रही है, लेकिन उसका कमेटी का कोई रिस्पांस, कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ऊपर से टारगेट किलिंग हो रही है और ऊपर से एक और जो हम पे जुल्म ही हम बोलेंगे, बायोमेट्रिक लगाई जा रही है और इनडायरेक्टली हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप आके वहां ज्वाइनिंग करो। अब तो हद ये होगी कि DDOs को भी हम कहेंगे, एक किस्म की धमकी दे दी है कि आपने, अगर आपने बायोमेट्रिक जिन्होंने निकाली भी थी उनको भी धमकी दे दी है कि अगर बायोमेट्रिक के बिना इनकी सैलरी निकाली तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। अब तो जिनकी आ रही थी थोड़े से एम्प्लॉयज की, उनके भी बंद है। तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है और इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो ये हद हो गई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, दूसरा नंबर हमारी सैलरीज रिलीज की जाए, तीसरा जब तक वहाँ सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती हमारी सैलरीज यहाँ ली जाए। और हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, हमारे साथ पहले दिन से वो प्रोटेस्ट में बैठे, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? सरकार को ये सोचना चाहिए और हमारे ऊपर कोई दया भाव दिखाना चाहिए। 6 महीने कम समय नहीं होता है, हमको यहाँ शोक से नहीं बैठे हैं। हम 15 सालों से अगर वहाँ ड्यूटी दे रहे थे आगे भी देते, लेकिन अब टारगेट की नहीं है। हम वहाँ रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, अब वो लोग भी हमें ये बोलते हैं कि हम आपका जिम्मेवारी नहीं ले सकते, अगर कल को आपको होता है तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा, इसलिए आप यहाँ है वहीं रहिए, जब तक हालात ठीक नहीं होते, जहाँ गवर्नमेंट आपके लिए कुछ फैसला नहीं लेती आप यहाँ मत आइए। तो अब हमारे लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। आपने यहाँ पर बैनर्स लगाए हैं और होर्डिंग्स पकड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ जान है तो जहान है, रिलीजर सैलरी सेवर डिपार्टमेंट्स, बच्चों को भी साथ में लेकर आए हैं। आप लगातार 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रही हैं, जहाँ डिमांड की जा रही है कि ट्रांसफर पॉलिसी को बहाल किया जाए और प्लस जो आपकी सैलरी रिलीज की जाए। तो अगर अब 6 महीने हो चुके हैं, क्या लगता है आपको सरकार आपकी सुनवाई करेगी? देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम आज भी यही उम्मीद करते हैं कि इंसानियत दिखाई जाए, हमारे डोगरे भाइयों पे बहनों पे इंसानियत दिखाई जाए और इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। कुछ इम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी टोटली सैलरी नहीं आई, उनके घर में बीमार हैं, बच्चे हैं, कोई अमीर घरों से नहीं और ये बड़े बड़ी जॉब करने वाले छोटे तबके के मुलाजिम हैं, तो इनकी सैलरी रिलीज की जाए, ताकि जो घर में बीमार है, हमारा एक साथी है जिनकी किडनी प्रॉब्लम हो गई है, उसकी सैलरी बंद है, वो कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएगा?
सरकार देख ही नहीं रही है, कोई दया भाव ही नहीं दिखा रही है। हम कोई ऐसे आए हैं वहाँ से? ऐसे नहीं आए हैं, वो हम मार रहे हैं तो आए हैं, जान बचेगी तो बायोमेट्रिक भी लगा लेंगे। पहले वहाँ हालात ठीक हो जाएं, हमें यकीन होना चाहिए वहाँ हालात ठीक हो गए हैं। जहाँ सरकार हमारी जिम्मेवारी उठाए कि अगर हम वहाँ मर जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है आपकी, हम सारा देखेंगे। वो तो दो लाइनें नीचे नहीं लिखते हैं, बायोमेट्रिक लिख देते हैं, बायोमेट्रिक लिखते हैं और सैलरी रिलीज नहीं होंगी ये लिखते हैं। तो ये थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा और इनके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आपका नाम? देखिए मैम, हमें 6 महीने होने पे आ गए हैं और हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड है कि हमारे लिए सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। हम एलजी साहब से हमारी पहली डेलीगेशन जो थी वो 10 जुलाई को मिलने गई थी और उन्होंने हमें साफ अल्फाजों में कहा कि आपके लिए वहां पर कोई भी सरकारी अकोमोडेशन नहीं है, आप किराए के घरों में रहते हो, आपकी प्रॉब्लम बहुत जेन्यून है क्योंकि आप वहां के रहने वाले नहीं हो, आप डोगरा हो, आपने वहां पर सर्विस ली है, आपके लिए जरूर सोचा जाएगा, ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। ये एलजी साहब के वर्ड्स थे और उन्होंने इसी वर्ड्स को देखते हुए हमारे लिए 25 जुलाई को, 10 जुलाई को हमारी मीटिंग होती है, 25 जुलाई को वो कमेटी का गठन करते हैं, 10 अक्टूबर को फिर से उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है क्योंकि सुनने में आ रहा था जो कमेटी के जो हेड्स थे उनकी कहीं ट्रांसफर हो गई थी। चलो ठीक है, ये टेक्निकल इश्यू थे। आप भाजपा की अध्यक्षता में एक कमेटी और बनाई गई, इस तरह से 3 कमेटीज बनी है लेकिन बनाकर उनको डिनाइल मोड पे रख दिया है। आप बताइए अब ये हमारा कसूर है कि कमेटी ने अपना काम नहीं किया? अगर कमेटी ने वो ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी बना दी होती तो हम आज अपनी ड्यूटी दे रहे होते, हक की सैलरी ले रहे होते। ये हमारा कसूर नहीं है, आप सैलरी बंद कीजिए, कमेटीज की कीजिए, कमेटी को इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप जैसे स्ट्रिक्ट आर्डर हम पे इम्पोज कर रहे हैं आप कमेटीज पे कीजिए। फिर क्या ये सिर्फ छोटे तबके के मुलाजम के लिए ही ऑर्डर्स होते हैं ऐसे? गवर्नमेंट के हर तरफ से हरास किया जा रहा है। वहां से मैम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमें सीधे फोन कर रही है, हमारे फोन में मैसेजेस हैं, आपको मैं वो रीड करवा सकती हूँ मैसेजेस। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ मत आइए, इनपुट्स अच्छे नहीं है और वो कहते हैं इंसिडेंट भी हो जाता है शाम को। वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे सिर कोई बात ना आ जाए और सरकार हमें वापिस भेज रही है कि जाइए बायोमेट्रिक दीजिए नहीं तो सैलरी रोक देंगे। 4 महीने से सैलरी बंद की है। क्या हमारी सैलरी पे सिर्फ हमारा ही हक था? हम ही उस सैलरी से खुश थे, हमारे बच्चे हैं घर में, माँ बाप होंगे, बहन भाइयों की शादियां थी, वेडिंग सीजन था, फेस्टिव सीजन था। आप बताइए कैसे ये लाइबिलिटीज कैसे होंगी? ये तो दोहरी मार दी जा रही है। आप आज बच्चों को भी अपने साथ लेकर आए? बच्चे मैडम आज नहीं आए हैं, बच्चे हमारे 6 महीने से हमारे साथ वहाँ अम्बेडकर चौक में धरने पे बैठे हुए हैं। इन बच्चों के स्कूल वहाँ पर कश्मीर में हैं और इनके स्कूल हमने बंद करवाकर अपने साथ प्रोटेस्ट में बिठाया है। आप बताइए कौन पेरेंट्स चाहेंगे कि आज के इस कॉम्पिटिटिव के दौर पे जब 2 साल स्कूल वैसे ही कोविड की वजह से बंद था तो 6 महीने हो गया, ये पूरा सेशन बच्चों का चला गया इसमें प्रोटेस्ट की वजह से, किसका मन करेगा इनको ऐसे बिठाना? यहाँ कोई पेरेंट्स चाहेगा आज की डेट में कि इनको हम पढ़ाई बंद करवा कर धरने पे बिठा लें? लेकिन यहाँ मसला जिंदगी रहेगी तो ये पढ़ेंगे, अगर इनकी जिंदगी नहीं रहेगी हम ही नहीं बचेंगे, ये बेचारे क्या करेंगे? रजनी बाला की बेटी आज क्या कर रही है? उसको स्कूल में जाकर ढूंढ कर मार दिया गया, वो बेचारी चिल्लाती रही अपने सीओ कुलगाम को, कहती रही अर्जियां दे दे के कि मुझे वहां इनसिक्योर फील होता है, आप मुझे कहीं टाउन में शिफ्ट कर दीजिए। उसने ये नहीं कहा होगा कि मुझे जम्मू भेज दो, मुझे ट्रांसफर पॉलिसी दे दो, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे टाउन में भेज दो, मुझे वहां डर लगता है उसको क्योंकि वहां थोड़ा आउटस्कर्ट से होकर गुजरना पड़ता था, वहां थोड़ा आए दिनों एनकाउंटर होता रहता था। उसने कौन सी गलत बात की डिमांड कर दी कि सीओ कुलगाम ने उस समय, आप देखिए कि किस तरह का बिहेव उनका रवैया था कि उन्होंने उनकी ट्रांसफर नहीं की और रिजल्ट क्या हुआ, वो बिचारी मारी गई, टारगेट किलिंग का शिकार हुई। उसकी बेटी स्कूल गई थी यूनिफॉर्म डालकर, वहां जाकर उस बच्ची को पता चलता है कि आपकी माँ को कत्ल कर दिया गया। आप सोचिए क्या वो बच्ची पूरी उम्र भर उस सदमे से निकल पाएगी जिसने अपनी माँ की डेड बॉडी को श्रीनगर से जम्मू तक एम्बुलेंस में लाया हो, खुद सोचिए। और बाद में उसको क्या दे दिया कि 4 लाख उसके हाथ में दे दिया गया कि ये रखिए 4 लाख रुपया, आपकी माँ की जान की कीमत 4 लाख है। कौन से भरोसे के साथ जाए? हमें कोई भरोसा तो दे सरकार, ये भरोसा कि बायोमेट्रिक दो जाके, ये भरोसा कि आपकी सैलरी बंद कर देंगे, कौन से भरोसे के साथ हमें सरकार वहां भेज रही है ड्यूटी देने के लिए? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कुछ ना कुछ तो बताए हमें कि आप क्या चाहते हो, मरने के बाद हमारे साथ क्या करोगे तो पहले क्या करोगे बताइए हमें। यहाँ पर इनके बच्चे भी हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? माई नेम इज रिजविक।
कौन सी क्लास में हो? मैं सेकंड में हूँ। ऋत्विक आज मम्मा के साथ क्या करने आया हो? आपको पता है कुछ? मैं इधर इसलिए आया हूँ कि जैसे मुझे 5 महीने हो गए स्कूल गए हुए, क्योंकि जब से कश्मीर में टारगेट किलिंग शुरू हुई है तब से ही मैं स्कूल नहीं गया हूँ और तब से ही मैं इधर धरने पे बैठा हुआ हूँ। स्कूल जाने का मन नहीं करता? मेरा मन तो बहुत करता है, लेकिन उधर डर का माहौल है इसलिए मैं नहीं जा पाता। तो देखा आपने, बड़े तो बड़े, छोटे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जिनकी साफ तौर पर ये डिमांड है कि ट्रांसफर पॉलिसी को है जो बहाल किया जाए और साथ ही साथ जो इनकी पेंडिंग सैलरी है उन्हें भी रिलीज किया जाए। तो इस तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हम जेके ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। यहाँ पर ये लगातार प्रोटेस्ट किए हुए है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड की जा रही है कि श्रीनगर में इस समय जो कश्मीर घाटी में माहौल है उस माहौल को देखते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की जाए। जो ऑल जम्मू बेस्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर घाटी में जॉब कर रहे हैं उन्हें अपनी जान का खतरा है, जिस तरह से वहां पर सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उसमें अपनी जान का खतरा, और ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी को, जो लॉन्ग टाइम पेंडिंग ट्रांसफर पॉलिसी है, उसे बहाल कर दिया जाए। इन्हें ना सिर्फ जम्मू में ही नहीं, जहां पर सेफ जोन है वहां पर इन्हें ट्रांसफर किया जाए और साथ ही साथ इनकी जो लॉन्ग पेंडिंग सैलरीज है उन्हें भी रिलीज किया जाए। तो लगभग 6 महीने हो चुके हैं इनको सरकार से यही डिमांड करते हुए और लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। 6 महीने से सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, इनके साथ इनके भी शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।